हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू वाचिंग माय चैनल व्लॉग्स विद आफ्ताब। तो गाइस, आज का जो हम यहां पे व्लॉग होने वाला है काफ़ी हिस्टोरिकल होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हैं यहां पे नेहरू सेंटर पे। तो गाइस, यहां पे नेहरू सेंटर जो नेहरू प्लेनेटोरियम है अपना, उसके जस्ट मुश्किल से 1 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है, तो वो रास्ता भी आपको बताऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे जो है म्यूज़ियम है जिसमें पूरी हिस्ट्री प्रेजेंट करके बताई हुई है अपनी इंडिया की, और उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे जो है आप लोगों का आर्ट गैलरी भी है, तो आप लोगों को दोनों चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आना कैसे है? तो गाइस, यहाँ पे आने के लिए अगर आप लोग जो है प्लेनेटोरियम आते हैं, नेहरू प्लेनेटोरियम, तो वहाँ से सिंपली स्ट्रेट बाहर निकलेंगे। जैसे एग्जिट करेंगे, स्ट्रेट चल के आना 1 मिनट तक, आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को नेहरू सेंटर। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहते हैं, आप लोग कहीं प्लेनेटोरियम पे नहीं आ रहे, डायरेक्ट यही आना चाहते हैं, तो उसके लिए महालक्ष्मी स्टेशन आ जाइए। वहाँ से आप लोगों को जो है बस मिल जाएगी, उससे बोलना है लोटस उतरना है, जिसे लोटस पे उतारेगी तो वहाँ से चल के वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है यहाँ पे। तो चलिए अब जाते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का नज़ारा। और गाइस, एक और चीज़ है, यहाँ पे जो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बाहर ही बोर्ड मारा हुआ है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। देन टू वी विल ट्राई आर बेस्ट, आप लोगों को पूरा सीन बताएंगे यहाँ पे, पूरा जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए लेके चलता हूं आप लोगों को अंदर। तो देख सकते हैं, जैसे ही आप लोग, ये आप लोगों का हो गया प्लेनेटोरियम, वहाँ से जैसे ही आप स्ट्रेट चल के आएंगे, स्ट्रेट चल के आते ही आप लोगों को दिखाई देगा ये नेहरू सेंटर। तो ये देख सकते हैं इस तरह की जो बिल्डिंग है, ये हमारा नेहरू सेंटर है, सिक्योरिटी चेक है, यहाँ से स्ट्रेट सिंपली हमको अंदर जा रहे हैं। गाइस, फाइनली यहाँ पे जो है अंदर एंट्री लेके हम लोग आ गए हैं। आप लोगों को बैक कैमरा से यहाँ पे जो है व्यू बताता हूँ। क्या बोलता था बोल, कैसा व्यू है? बहुत ही ज्यादा ऑसम। सो गाइस, ये है हमारा एंट्री, आप वहाँ से अंदर आएंगे, देन ये हमारा एंट्री है। तो चलिए अंदर चलते। सो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेकअप करा लेना है, देन आ गए हम अंदर। सो गाइस, यहाँ से हमने एंट्री ली। अभी नीचे यहाँ पे जो है आर्ट गैलरी है, एंड ऊपर म्यूजियम है। तो पहले हम म्यूजियम में जाएंगे, क्या बोलता था बोल, चले? तो चलो चलते। तो जैसे आप लोग अंदर एंट्री लेंगे, एंट्री लेते सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो एक जहाज़ दिखाई देगा। आइए पहले जहाज़ देखते हैं। तो ये देख सकते हैं शिप का पूरा मॉडल बनाया हुआ है, एंड यहाँ पे इसकी कुछ जो है इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल मैस्टर्ड 46 गन एंड ऑल लिखा हुआ है इस पर। तो देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। एंड ये जो है शिप पूरी एज ऑफ ओरिजिनल पूरी बनाई हुई है, पूरी का पूरी रेप्लिका है यहाँ पे। एक एक चीज़ मीन्स इसकी जो कैनन से यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी जो भी तोपे है सब एज ऑफ पूरे का पूरा जो ओरिजिनल उसकी तरह पे बनती हुई यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों को सिंपली जो है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे चलना होगा, पहले हमने म्यूजियम कवर करेंगे, देन आर्ट गैलरी का आपको जो है कोशिश करूँगा बताने की। तो मेरे पीछे जैसे थे स्टेयर्स, आप लोगों को सिंपली स्टेयर्स चल लेना है, स्टेयर्स चल के सिंपली फर्स्ट फ्लोर पे आ जाना है। एंड आइए आप लोगों को बताता हूँ यहाँ का व्यू। तो गाइस, ये जो है म्यूजियम का फर्स्ट लुक है, एंड यहाँ पर आते ही देख सकते हैं फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो चलिए कोई नहीं, करेंगे कोशिश भाई अपन। तो ये हमारा फर्स्ट लुक है म्यूजियम का, एंड अंदर जाने के लिए वहाँ से एंट्री है, गुफा टाइप बनाया हुआ है। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं ये आ गए हम गुफा में। एंड गाइस, बहुत अच्छी तरह से नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई फोटोग्राफी, ये धवल हुआ है वो स्टोरेज। तो अबे धवल, सेम सेम। रिकॉर्डिंग यहाँ भी अलाउड नहीं है, बट आइए देख लेते जितना हो पता कर लेते। जैसे ज्वेलरी टूल्स एंड वेपन्स है यहाँ पे स्टोन एज के टाइम के, तो ये सारे ज्वेलरी है मेरे ख्याल से, बैंगल्स, बंगड़ी, तो सारे टूल्स एंड वो है, जैसे तो पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। फिर ये रिलीजन धर्म, और ये फोर्ट है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं ट्रेड, वो हरप्पन सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो वाला ट्रेड कैसे करते थे, क्या कॉइंस लेते थे, वो सारे चले देख सकते हैं, इंडस वैली, सिंधु एंड ऑल। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके पहले कि अपना मोबाइल बंद करवा दे, रिकॉर्डिंग करने मना कर, उससे पहले ही सब लपेट लेते भाई। और ये डाइस, डाइस है कि क्या है? अच्छा, वेट एंड मेजर गेन, वजन करने का जो पहले का रहता था वो चीज़ें हैं।
गाइस देख सकते हैं पॉटरी एंड टेराकोटास। तो ये देख सकते हैं सारे बर्तन, पॉट, प्लेट एंड अलग अलग है यहाँ पे टॉयस है यहाँ पे। एंड अगेन उसकी हिस्ट्री दे दी गई है, ये चिल्ड्रंस को खेलने के लिए जो उनका टॉयस थे सारे देख सकते हैं। किस चीज़ का मैप है ये? अशोका उत्तराखंड भारत राइट, पूरा इंडिया इतना बड़ा था एक्चुअल में, इंडिया था राइट राइट। तो वो टाइम का मैप है। अपने धवल भाई का भाई हिस्ट्री बहुत पावरफुल है क्या? हाँ भाई, चल आ जाओ। सो गाइस ये चंद्रगुप्ता के टाइम का बाजार है पाटलिपुत्र का। तो देख सकते हैं वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट थी वो टाइम की। तो उसका ही एक जस्ट आप लोगों को लुक दे दिया गया है। ये देख सकते हैं वो टाइम की भाषा में कुछ लिखा हुआ है, समझेगा तो बिल्कुल नहीं भाई, अपने को टाइम की भाषा नहीं आती, बट देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ वो टाइम की भाषा में। गाइस ये है अपने पुराने जमाने के बर्तन, एकदम क्या बोलते हैं नॉन स्टिक फ्राई पैन जैसे दिख रहे हैं भाई, देख सकते हैं धवल ने डिमांड में देखा है भाई ऐसे वाले, तो वैसे ही भाई फ्राई पैन दिख रहे हैं। नेक्स्ट ये देख सकते हैं गाइस पुराने टाइम पे मींस किस तरह से खाना बनाया जाता वो बताया, मींस देख सकते हैं एक ही जगह पे इतने सारे चूल्हे एक ही साथ एंड बर्तन रखे हुए। एंड अगेन ये सारे देख सकते हैं ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज है। तो गाइस अब आप लोगों को मैं लेके आता हूँ मुगल के टाइम पे, मुगल एम्पायर में। तो देख सकते यहाँ पे आप लोग पूरा उनका इतिहास यहाँ पे पूरा बता दिया है। और गाइस ये धवल की अनारकली, धवल तेरी अनारकली एंड धवल की अनारकली हुक्का पी रही है भाई, पुराने जमाने का हुक्का देख लो। नेक्स्ट गाइस देख सकते ये बोटम की गन है, ये आप लोगों को जो है मैंने माथेरान में भी बताई थी, वहाँ पे पड़े थे ये हथियार और शिवाजी महाराज के म्यूजियम में, ये सारी चीज़ें भी बताई थी आपको। अगेन यहाँ पे जो है उसके पिक्स दे दिए गए, सही है। नेक्स्ट ये महाराष्ट्रियंस का वो टाइम का वो एज का जो है यहाँ पे देख सकते कपड़ा है एंड पगड़ी है, ये देख सकते फोटोज में पहले भी आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट ये देख सकते टेलीफोन है वो जमाने का, वैसा नंबर घुमा ट्रिंग 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 और फिर ये उठा के बात करो इससे, सही है। देख सकते हैं स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उसके अंदर चलते हैं अभी। आ गए अपन यहाँ पे फ्रीडम मींस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। एंड ये देख सकते हैं आप लोगों को जो कि बहुत फेमस है, डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड लिखा हुआ था, वो डोर बनाया हुआ है वो टाइम पे जो था, वैसा सेम सीन बनाया हुआ है यहाँ पे। तो गाइस ये वो टाइम का जेल है कालकोठरी देख सकते, तो जो यहाँ पे मॉडरेटर्स थे जिन्हें यहाँ पे जेल में रखा गया था वो जेल है टाइप की, देख सकते हैं अंदर से कैसा है यहाँ पे खाने पीने का बैठने का एंड ऑल इतु सा। सो गाइस ये गांधी जी का चरखा मींस ओरिजिनल नहीं है रेप्लिका है, बट इस तरह से ही रहता था देख सकते हैं। म्यूजियम एंड जो था यहाँ पे जैसे बाहर निकलने के लिए भारत छोड़ो जो मूवमेंट था वो लगाया है क्विट इंडिया और यहीं से बाहर निकलना अपने को, तो क्या क्रिएटिविटी वापरी है भाई, मतलब अपन भी यहाँ से बाहर निकलो और भारत छोड़ो मूवमेंट को यहाँ पे मस्त ज्वाइन करके मजबूत बनाया। तो भाई चलो यहाँ से ब्रिटिशर भी बाहर हो गए और अपन भी बाहर हो गए। नेक्स्ट गाइस ये देख सकते हैं, बट ये तो टेक्स्ट बुक पे देख देख के बड़े हुए अपन लोग, हर हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पहला पेज यही रहता है, तो वही है यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये भी मिस है काफ़ी बड़ी चीज़, बट बचपन से देखते आ रहे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पे ये सब। सो गाइस फाइनली आप लोगों को जो पूरा म्यूजियम तो यहाँ पे बता दिया, अब वहाँ पे अगेन आ गए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर, यहाँ पे आपको आर्ट गैलरी बता देता हूँ। म्यूजियम में भी अलाउड नहीं था जैन टू कैसे कैसे करके रिकॉर्ड के लिए, एंड गैलरी में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, तो इसका जो पूरा सिनेमेटिक व्यू आप लोगों को दूंगा। तो चलिए जाते हैं अंदर।
यहाँ पे देख सकते हो ये पेंटिंग्स कितनी रियलिस्टिक दिख रही है। एंड यहाँ पे देख सकते हो उसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया पेंटिंग्स के बारे में। अगेन यहाँ पे ऑटो रिक्शा पेंट की हुई है, देन अगेन एक और पेंटिंग है यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है एक्रेलिक ऑन कैनवास। नेक्स्ट देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है गाइस, यहाँ पे इसका नेचर एक्रेलिक ऑन कैनवास प्राइस भी है यहाँ पे 5000 रुपीज़। एंड पेंटिंग भी देख सकते हो और क्लियरली बता देता आपको नज़दीक से। तो उसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारी पेंटिंग है, सब 5000 की है ये सारी जितनी भी पेंटिंग है। तो पेंटिंग बाय करना तो भी कर सकते हैं, देख सकते भाई थोड़ा फटफट मीन्स फास्ट बता रहा हूँ यहाँ पे वीडियोस, एक एक पेंटिंग ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं। अभी देख लेंगे वॉचमैन, फिर यहाँ पे सीटी मारेंगे सिक्योरिटी गार्ड। तो उससे पहले आप लोगों को बता दूँ तो 5500 की यहाँ पे ये लाइन में जो है पेंटिंग्स है। ये आप पेंटिंग्स देख के आएंगे तो यहाँ पे आपको कैंटीन भी दिखाई देगी। तो आइए कैंटीन का प्राइस एंड ऑल देख लेते। तो ये आ गए हम कैंटीन में, सारी चीज़ें अवेलेबल है, समोसा पाव फिर स्वीट्स हर चीज़ अवेलेबल है। तो मेन्यू वो रहा सामने मेन्यू, तो वेज पॉप 60 रुपीज़ है, देन समोसा 60 रुपीज़ है। मीन्स यहाँ पे आपको नेहरू प्लेनेटोरियम में जो बताया था प्राइस उससे 20-30 रुपये ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका मेन्यू। गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोग म्यूजियम के बाहर आ गए एंड यहाँ पे हमने पूरा म्यूजियम कवर कर लिया है, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। जैन टू जितना हो पाए उतना ट्राई किया है। सो गाइस अगर आप लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मस्ट रिकमेंडेड यहाँ पे विजिट करो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया पूरा एंड आर्ट गैलरी भी है। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो आइए, बहुत ही प्यारे तरीके से पूरा प्रेजेंट करके बताया गया है। तो चलिए आज के व्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।